नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रभुनाथ सिंह को बड़ा झटका लगा है। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है और मामला 1995 का है, डबल मर्डर केस का मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को बड़ा झटका दिया है और उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। और वहीं जो मृतक के परिजन थे उन्हें भी मुआवजा राशि देने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि 1995 के डबल मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत से रिहाई मिल गई थी और इस रिहाई को पटना हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। और आज इस मामले में बड़ी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि 3 जजों की बेंच ने मशरक में राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है प्रभुनाथ सिंह को 10-10 लाख रुपए देने के लिए, जो भी मुआवजा राशि है वो पीड़ित परिवार जो है उन्हें मिले। और वहीं अभी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट का कहना है कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और वैसे इसी मामले में अन्य आरोपियों को रिहाई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सही जो है वो ठहराया। अब देखिए, बड़ा झटका लगा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को ये बड़ा झटका दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह भी कहा है कि प्रभुनाथ सिंह जो है उन तमाम पीड़ित परिवारों को जो दोरी हत्याकांड का जो मामला है उन दोनों के जो परिजन हैं उन्हें करीब 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि भी दे। अब बता दें कि इस मामले में जहां एक तरफ पटना हाईकोर्ट ने यानी कि निचली अदालत ने सही समझाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को तुरंत ही पलट दिया है और आज ये बड़ा फैसला प्रभुनाथ सिंह को लेकर सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उम्र कैद की सजा होगी और वहीं प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ तमाम सबूत जो हैं वो भी मिले हैं और इसमें कहीं ना कहीं उन्हें दोषी ठहराया गया है। और इसी मामले में आज ये बड़ी सुनवाई जो है वो भी हुई है। देखिए, एक तरफ जहां प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा तो हुई ही हुई है और वहीं जो मृतक है उनके जो परिजन है उन्हें भी मुआवजा राशि दी जाएगी, उन्हें भी मुआवजा राशि उन्हें देनी पड़ेगी। और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इस बारे में आदेश भी दे दिया है। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।